बात करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस का वीडियो होने वाला। देखिए मैं बोलता हूँ हमेशा प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं लाखों रुपए दे करके भाई ये सारा चीज़ मैं सीखा हूँ, ठीक है। हमें सफलता ऐसे ही मिली थी जब प्रैक्टिस मैं करना स्टार्ट किया। देखिए गलती मैं भी स्टार्टिंग टाइम पर गलतियाँ करता था। कौन सा गलतियाँ करता था? जैसे मेरी क्वान्टिटी साइज मतलब कभी फिक्स नहीं रहती थी। यहाँ तक कि आप लोग भी यही गलती करते हो, हमें ये अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं वो गलती करते हैं, ठीक है। जब भी मतलब वो प्रॉफिट करने चाहेंगे तो मान लीजिए 50-100 क्वान्टिटी 200 क्वान्टिटी से काम करना चालू करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर आप 500 क्वांटिटी से काम करते हैं, मान लीजिए अगर 500 क्वांटिटी में अगर आपको लॉस हो गया तो भाई तुरंत आ जाएंगे 200 क्वांटिटी पे, ठीक है। 200 क्वांटिटी अगर प्रॉफिट होता है तब पर भी 500 क्वांटिटी का मुकाबला 200 क्वांटिटी नहीं कर सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब कि 500 में क्वांटिटी में अगर आपको लॉस हुआ है तो 200 क्वांटिटी प्रॉफिट करेंगे तब पर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 300 क्वांटिटी आपका कम है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है हमेशा। मैं इसलिए बोलता हूँ क्या सिस्टम है, सिर्फ एक लॉट पे काम काज करना है और कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। जितने लोग चैनल पर नए, चैनल पर सीरीज चली जाकर पूरा सीरीज देखो शुरू लगे लास्ट तक, पूरा समझ में आएगा मार्केट में कैसे काम काज करना चाहिए, किस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। और सेकंड में देखिए अपना बुक है, बुक पूरा पूरा प्राइस जंक्शन का बुक है। ये बुक का भी बुकिंग चल रहा है, अगर आप बुकिंग ओपन है, अगर आपको बुक लेना है तो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। वहाँ जाके देख लीजिए क्या क्या बुक में है, क्या सारी चीज़ें पूरा दिया गया है, बताया गया है, तो वहाँ से आप बुक का बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको नियंत्रण, मेरा नाम महेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेली ट्रेडिंग। चलिए वीडियो को पूरा फाइनली स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, हर वीडियो में लर्निंग का पॉइंट काफी ज्यादा छुपा होता है, तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फंडों में आगे वीडियो चलिए बात करते हैं। भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट ओपन होने वाला है, ये स्टार्टिंग टाइम ही है, ठीक है, मतलब 9:15 होने वाला है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया, मतलब मार्केट अब ट्रेंड में ही है यहाँ पे। और जूम करके देखते हैं यहाँ पे भाई मार्केट तो करीब करीब सेम जगह पे स्टार्ट हो रही है। चलिए भाई फर्स्ट कैंडल स्टार्ट, चलिए देखते हैं फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही एंट्री बनाएंगे क्या हो सकता है। मार्केट तो वही 18,740 इसमें चल रहा है, तो समझ लीजिए मैंने लेवल कल का बताया हुआ है, 18,750 का लेवल दिया गया था। अगर ध्यान नहीं हो जाकर लेवल का वीडियो देखा करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो फर्स्ट कैंडल कंप्लीट होने के बाद सेकेंड कैंडल में हम एंट्री बनाते हैं। इनडिसीजन मतलब कैंडल कोई क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। 17,445 चलिए भाई 45, 50 क्रॉस कर दे ऑटोमेटिक तो मज़ा आ जाएगा। 50 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तब मज़ा आ जाएगा, क्लोज नहीं करेगी तब समझिए फिर क्या होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 50 के नीचे कैंडल अगर रहती है तो यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे पुट साइड में। तो कैंडल तो भैया यहाँ पे पुट में एंट्री बनाने का समझे टाइम आ चुका है, थोड़ा सा कैंडल और कंफर्म कर लेते हैं फिर चलते हैं अपने एंट्री में। तो 18,700 के पुट में यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, 100 क्वांटिटी 2,000 रुपये का मिल रहा है भैया, ठीक है 2,000 रुपये का क्वांटिटी मिल रहा है 100 क्वांटिटी। तो चलिए अब इसको बाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कैंडल 50 के नीचे ही है। तो फाइनल दोस्तों चलिए बाई हो गई है, पुट साइड एंट्री लोग बन गया, भैया एक कॉल आ गया, चलिए छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी, ठीक है, ये जो 50 का लेवल है ये यही लेवल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 750 का ही लेवल है यहाँ पे। तो पुट में हम लोग का एंट्री तो बना ही हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ ना, जब भी आप लेवल देखेंगे लेवल पर आपको काम काज करना है, लेवल पर ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेवल मैं हमेशा बताता रहता हूँ शाम को, भैया कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है क्या कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे 95-45 ऐसे कुछ करके हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं इस टाइम पे। तो अब ट्रेंड में तो हम लोग है ही, अब ट्रेंड का ये ट्रेड देखेंगे और क्या होता है यहाँ पे। और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई अपने जहाँ रजिस्टेंस मेन है, ये 50 वाला है, ठीक है 750 का ये जो लेवल मैं बताया हूँ ये मैं पहले बोला था 350 का लेवल जैसे वैसे ये होने वाला है। तो इसी को देख करके मैंने एंट्री बनाया हुआ है पुट साइड में। तो 175 के आसपास मैं प्रॉफिट में, 160-170 चलिए कोई बात नहीं अच्छी बात है, 220-150 चलिए। देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं ना, मतलब यहाँ पे अब देखा जाएगा क्या हो सकता है, देखिए प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, लेकिन टाइम डिके भी आज लगेगा, ठीक है। टाइम डिके बहुत समझिए कि एक ना ख़तरनाक चीज़ है ऑप्शन बायर वालों के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब कि सोचिए मत, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बस, तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाएंगे।
सेलिंग वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, सेलिंग वाले तो आराम से पैसा बनाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सेलिंग वाले एकदम टेंशन फ्री पैसा बनाते हैं, पहली बात तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम आती है बायर वालों को, जो बाइंग करते हैं, जो बाई करके पैसा उनके लिए। तो देखिए हमारे टाइम फ्रेम पे भाई यहाँ पे हम लोग हैं, और बस ऑप्शन का एक ही प्रॉब्लम है, जो लोग नए नए आते हैं उनको पता नहीं, उनके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तब पर भी उनको प्रॉफिट नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या पता है, टाइम डीके। मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम डीके को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन बाइंग वाले बर्बाद इसी में होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि टाइम डीके किस तरीके से कैसे लगता है, और वो अपने ट्रेड को होल्ड कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग क्या है ना, वो मोमेंटम पे ट्रेड किया जाता है। मोमेंटम ट्रेड चाहिए ऑप्शन बाइंग में, तभी आप काम काज अच्छे से कर पाएंगे। तो मोमेंटम ट्रेड अगर भाई नहीं कर पाएंगे तब तो आप समझिए कि लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट तो कभी कर ही नहीं सकते। पहली बात तो हमेशा ये सारी चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ऑल टू ऑल टाइम। तो हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया भाई, देखिए टाइम डीके मतलब इतना खतरनाक लग रहा है कि प्रॉफिट दिख रहा है फिर तुरंत आ जा रहा है नीचे, 200 तक प्रॉफिट दिखा रहा है फिर आ जा रहा है नीचे। ये सारी चीज़ें भाई हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको ऑप्शन में ही काम करना है तो सिर्फ ऑप्शन को आप फोकस करिए, ऑप्शन को ध्यान में रखिए, ऑप्शन को मतलब उस पर प्रैक्टिस करिए एकदम लगातार, सिर्फ सब कुछ छोड़ दीजिए, तब सिर्फ इंडेक्स पे ध्यान दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे उसी पे ध्यान दीजिए। तो भैया यहाँ पर तो कैंडल निकली है ऊपर साइड, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोज अगर कर दिया अच्छे से तब तो भाई समझिए यहाँ पर बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए कैंडल ऊपर गई, स्पाइक मार के फिर नीचे आ गई। तो जो लेवल का इम्पोर्टेंट होता है भाई, वो समझिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेवल तो पूछिए मत भाई, लेवल वास्तव में पैसा छापने की मशीन होती है मेरे हिसाब से। लेकिन जब आपको समझ में आएगा तब ना लेवल है कैसे, लेवल कैसे निकालते हैं, हर चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, हमेशा सिखाता रहता हूँ, प्ले लिस्ट से ही आपको समझ में आएगा। और जो बुक का सेशन होगा भाई उसमें भी खतरनाक समझिए सेशन होने वाला है, उसमें भी बताएंगे क्या कैसे किस तरीके से करना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें देखा जाता है। देखिए बुक में क्या है, पूरा सिस्टम से दिया गया है प्ले लिस्ट, जो दोनों चीज़ है दोनों समझिए सेम है, कोई बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा देखने को। बुक का मतलब यह है सिर्फ आपके पास में रहेगा, आप हमेशा पैटर्न उसमें देख सकते हैं, पैटर्न आपके पास में रहेगा, सिर्फ आप जब मन करेगा तब आप खोल के आराम से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना रीड किया हुआ चीज़ आपको जल्दी याद होता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भाई देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है, अगर यही समझिए गैप अप खुल जाती तब पर भी हम पुट में एंट्री बनाते, लेकिन मार्केट एकदम सेम जगह पर खुली है तो कोई बात नहीं, लेकर के हम लोग पुट में एंट्री तो बना के बैठे ही हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। लेकिन यार मैं देखिए हमेशा एक्चुअली बोलता हूँ ना, 6-7 मिनट हो गया है, मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट ना अगर निकलना चाहिए इसको मोमेंटम करके निकल जाना चाहिए, चाहे किसी भी साइड जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तब पैसा बनता है ऑप्शन में। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल देखिए इसी रेंज में है, तो क्या ही पैसा बनेगा, लॉस के सिवा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ऑप्शन वालों अगर ये फ्यूचर होता या फिर सेलिंग होता तब समझिए यहाँ पे आप प्रॉफिट में होते, अगर सेलिंग होता तब पर भी यहाँ पे दिक्कत नहीं था। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सर बोलते हैं सर ऑप्शन बाइंग तो कम पैसों में मिलता है, ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा पैसों में, तो भाई कहाँ सेफ्टी ज़्यादा है वो देखो ना। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, एकदम एक्सपर्ट आपको बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस और कुछ भी नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप काम काज कर पाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे भाई काम नहीं कर पाएंगे, इतना मेरा ध्यान रखना, प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो 50 रुपये 45 रुपये भैया 55 ऐसे 60 करके हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है यार। 100 क्वांटिटी में कम से कम प्रॉफिट कम से कम तो 700-800 रुपये होना चाहिए, अगर स्कैल्पिंग के नज़रिए से देखे तब ज़्यादा ज़्यादा भाई कुछ भी मिल सकता है, 1000-1200-1500 कुछ भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट तो डाउन साइड में आ ही रही है, लेकिन प्रॉफिट कोई खास नहीं मिल रहा है। ये प्रॉब्लम जो समस्या होती है भाई, ये मतलब ना बहुत समझिए खतरनाक चीज़ है, मैं सही बता रहा हूँ। लोग बर्बाद यहीं होते हैं ऑप्शन में ही, इसलिए बोलेंगे सर मेरे डायरेक्शन में मार्केट तो जा रहा है तब पर भी पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करें कैसे काम काज करें। भाई काम काज करने का यही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करके एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, चार्ट पे समझना पड़ेगा कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है कहाँ पे नहीं आ सकता, कहाँ पे मार्केट रेंज में जा सकती है, कहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, ठीक है कहाँ पे हमें क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहिए कहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको चार्ट ही बताएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट पे ध्यान दीजिए, चार्ट से प्यार करिए, चार्ट पर प्राइजेशन देखिए, चार्ट पर क्या मोमेंटम हो रहा है, ये सारी चीज़ें समझने का कोशिश करिए, ठीक है। और सब कुछ साइड में रख दीजिए, यहाँ पे ये नहीं कि बस प्रॉफिट लॉस देखें एंट्री बनाने पर। मैं देखता हूँ यार नए नए लोगों को, मैं पर्सनली देखा हूँ
इंट्री बनाते हैं तुरंत उनका ध्यान कहाँ था, प्रॉफिट लॉस पे, मतलब मोबाइल लेके हाथ में बैठ जाएंगे, चार को छोड़ देंगे, तो ऐसे काम कभी नहीं हो पाएगा। आप ट्रेडर भाई ऐसे कभी नहीं बन सकते, मार्केट यहीं रेंज में है, अब क्या ही कर सकते हैं, रेंज में है यहाँ पे, तो देखते हैं फिर बाहर हो जाएंगे, प्रॉफिट कुछ मिला नहीं यार। तो देखिए प्रैक्टिस में क्या होता है ना, प्रैक्टिस में प्रॉफिट एक साइड में करना होता है, प्रैक्टिस में सिर्फ प्रैक्टिस, यहाँ पे कमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मतलब क्या है, सीखने की बात, ठीक है। जब कोई डॉक्टर बनता है ना तो पहले वो कोर्स करने के बाद जाके प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद अपनी डॉक्टरी खोलता है, तो वैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सीखने के बाद पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपना ट्रेडर बनो, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मार्केट मोमेंटम कर रही है नीचे, लेकिन ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे, ये भी थोड़ा दिक्कत है, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। मार्केट रेंज में देखिए चली गई सुबह सुबह, 1 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में क्या हो रहा है। देखिए मार्केट के हिसाब से हम लोग को चलना है, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलती, मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, मार्केट सुप्रीम है, इसको फॉलो करो बस, चार्ट को फॉलो करो, उसको समझो, देखो 2-3 कैंडल यार रेट बढ़िया आ जाए तो मज़ा आ जाए, तुरंत यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में चले जाएंगे अच्छा खासा। लेकिन जब आए तब ना नन्हू नन्हू सा कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल, अब बताओ हमें कहाँ पैसा बनी, 1 रुपया ना बनी, फालतू के बसाली पर कहा हो टेंशन, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या मोमेंटम होता है, मार्केट का क्या सिचुएशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तब यह कैंडल फिर यहाँ से रिवर्स ऊपर, ट्रेंड लाइन जो है ना ये दिक्कत कर रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है तो फिर यहाँ पर डिसीजन करेगा, अभी कुछ टाइम तक तो लगता है हमें, तो इससे अच्छा है कि हम लोग को बाहर निकल जाना चाहिए भाई, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 10-11 मिनट के आसपास हो गया टाइम भी ट्रेड में एंट्री बनाए हुए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो ठीक ही दिख रहा है, लेकिन अब ट्रेंड में तो मार्केट है ही, लेकिन कभी भी अपना ट्रेंड यहाँ पर कोई पैटर्न बना के चेंज कर सकता है, जैसे एम पैटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें बना करके मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है नीचे साइड में, क्योंकि बैंक तो अच्छा खासा कल के दिन में आया था। तो भैया यहाँ पर देखिए हम लोग यार काफ़ी टाइम तक एंट्री बना चुके हैं, लेकिन कोई मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, तो बाहर होना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि कोई खास मतलब नहीं यहाँ पे दिख रहा है, चलिए बाहर होते हैं ट्रेड से पहले, सबसे पहले बाहर हो जाते हैं यहाँ पे। तो भैया बाहर हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे अपने ट्रेड से, अब 95 रुपये का लॉस हुआ है। देखिए कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मार्केट स्टक होने की वजह से हमें बाहर होना पड़ा, और कोई मतलब यहाँ पे निकलने का मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या है, रेंज में है। जब भी आपको मार्केट रेंज में दिखे आपको कभी रुकना नहीं है, हमेशा आपको बाहर हो जाना है, कभी भी नहीं रुकना है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं तो आपको कभी रुकना नहीं है, इतना हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लाइफ में ये गलती मत करना भाई। आपको दूसरी जगह दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, वहाँ पे आप पैसा बना लोगे, लेकिन यहाँ पे गलती मत करना। देखिए मार्केट यहीं पे पूरा स्टक हो चुके, पूरा ख़त्म हो चुकी है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे एंट्री बना के बैठने का भाई। हम लोग यहाँ पे समझिएगा कम से कम 12 मिनट तक ट्रेड में था करीब नियर अबाउट, लेकिन तब पर भी कोई मतलब नहीं निकला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।